Hi friends, my name is Mayur Sudhar. Today I will explain assembly. What is assembly? So these are the topic of first unit .NET framework. What is .NET framework? I will explain already. But today we discuss only what is assembly. So what is assembly? So assembly is the most important part of .NET framework. So assembly is the most important part of the .NET framework. Now, second, assembly are the building block of .NET framework application. So, jitni bhi applications hai .NET ki, usme assembly kya hai? It's a building block of .NET framework. Okay? So, there are two things are very important. It is the most important part of .NET framework, and assembly are the building block of .NET framework. Okay, now what is the definition of assembly? So assembly is a file that is automatically generated by compiler upon successful compilation of every .NET application, and it can be either dynamic link library DLL or executable file exe. Okay, so I will explain in brief what this definition says. जैसे कि आप कोई भी application, कोई भी software develop करते हो, तो उसको आपको deploy करना पड़ता है. जैसे कि कोई client को आपको देते हो, तो उसके लिए क्या, वो पूरा code आप नहीं देते, उसके लिए वो जो software है .NET software, उसकी एक exe file और DLL file generate करके आप देना पड़ता है. तो वो इज वेरी सिक्योर रहेगी और वो सामने वो देखेंगे तो उसको ऑलरेडी उसका कोड ही उसको देखने को मिलेगा. सॉरी, उसका कोड नहीं, उसका जो आउटपुट है वही उसको देखने को, उसको हम असेंबली बोलते हैं. तो अगेन आई विल एक्सप्लेन, असेंबली इज अ फाइल दैट इज ऑटोमेटिकली जनरेट बाय कंपाइलर. वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है अपॉन द सक्सेसफुल कंपाइलेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन. तो पूरा सक्सेसफुल कंपाइलेशन उसके बाद वो जनरेट करता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी और एग्जीक्यूटेबल लाइब्रेरी. तो वो exe फाइल और DLL फाइल जनरेट करता है. जैसे कि कोई कंट्रोल है ऑलरेडी, कोई जैसे कि डेटा ग्रिड कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, ऐसा कोई डिफरेंट लुकआउट वाले आपको कंट्रोल बाहर से कस्टमाइज करना है, तो हाउ यू इंसर्ट योर टूल बॉक्स जो बाहर से जो आया हुआ है कंट्रोल, उसको तो यूजिंग यू, वो क्या करेंगे, जो भी जिसने वो कंट्रोल डेवलप किया है वो पूरा कोड तो देगा नहीं. तो आप क्या करना पड़ेगा, वो उसका जो DLL फाइल है वो आपको अपनी जो टूल बॉक्स है उसमें आपको इंपोर्ट करवाना पड़ता है. तो इसके लिए वो कोडिंग फाइल तो देगा नहीं, तो वो DLL फाइल ही उसको, वो DLL फाइल से ही आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो वही है असेंबली. ओके, तो आई थिंक यू आर इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज असेंबली. नाउ टाइप्स ऑफ असेंबली, तो वी कैन क्रिएट टू टाइप्स ऑफ असेंबली. वन इज प्राइवेट असेंबली एंड शेयर्ड असेंबली. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट असेंबली? तो प्राइवेट असेंबली इज यूज ओनली बाय सिंगल एप्लीकेशन एंड यूजुअली इट इज स्टोर इन दैट एप्लीकेशन इंस्टॉल डायरेक्टरी. जैसे कि आपको एक सिंगल एप्लीकेशन के ही लिए यूज करना है, जैसे कि आई क्रिएट वन सॉफ्टवेयर इन ओनली सिंगल माय पीसी, तो आई विल यूज ओनली प्राइवेट असेंबली. तो दिस आर द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट असेंबली. आई अगेन रिपीट, प्राइवेट असेंबली इज ओनली बाय सिंगल एप्लीकेशन एंड यूजुअली इट इज स्टोर इन दैट एप्लीकेशन इंस्टॉल डायरेक्टली. नाउ सेकेंड, शेयर्ड असेंबली. तो शेयर्ड असेंबली इज वन दैट कैन बी reference by more than one application. Suppose आप more than one application use कर रहे हो, तो we have to use shared assembly. तो there are two types of assembly, private assembly and shared assembly. I will explain detail. Now another one important definition asking question, what is managed code? What is managed code? तो a code which run under CLR, तो it is called managed code. तो एग्जाम में डेफिनेशन 100% आती है, तो आपको ये लिखने का, कोड विच रन अंडर CLR इट इज कॉल्ड मैनेज कोड. और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनमैनेज कोड? अ कोड
which not run under CLR, it is called unmanaged code. There are two definitions are very important: managed code and unmanaged code. I will explain the detail. CLR में जो भी .NET languages है, C#.NET, BB.NET and others .NET, तो all .NET language had its own compiler and उसके बाद एक CLR compiler होता है, तो वो code है, वो CLR के code में run होगा, तो ही वो managed code है, otherwise जो CLR के अंदर आप वो code run नहीं करते हो, तो it is unmanaged code, means दार से कोई दूसरी language जैसे VB, तो VB is not run in CLR, तो it is called unmanaged code. तो सिंपली आपको लिखना है कोड विच रन अंडर CLR दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड कोड एंड कोड विच नॉट रन अंडर CLR द इट इज कॉल्ड अनमैनेज्ड कोड. एंड फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर, ये भी एग्जाम में एक दो मार्क्स में आ सकता है. व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर, तो गार्बेज कलेक्टर क्या है. इन C++ व्हेनेवर यू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, इन C++ व्हेनेवर यू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू डिलीट दिस ऑब्जेक्ट यूजिंग डिलीट कीवर्ड या यू यूज डिस्ट्रक्टर आल्सो. बट हियर ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली जब जरूरत नहीं है तो ऑटोमेटिकली डिलीट होता है, तो उसके लिए हम गार्बेज कलेक्टर का यूज करते हैं. तो वी सी द डेफिनेशन. The garbage collection, which is the most important features of .NET managed code platform. So, garbage collection, which is one of the important features of the .NET managed code platform. Now, the garbage collection manages the allocation and release of memory. Allocation bhi wohi karta hai, release bhi woh memory karta hai. The garbage collector serves as automatic memory manager. तो उसको हम manager memory manager भी बोलते हैं. Automatically memory create करता है और जब अब memory की जरूरत नहीं है तो automatically वो release भी कर देता है. तो आपको उसके लिए कुछ दूसरा code लिखने का नहीं होता. तो garbage collector में जो code लिखा हो ही वो सब manage कर लेता. तो that is a very important question. Again, I will repeat, garbage collection most important part hai manage .NET managed code platform ka, aur dusra garbage collection manage the allocation, means memory creation or release of memory. The garbage collector serves automatically memory manager. To pura ye topic, ab if aapko ek query hai to ye number pe aap mujhe phone kar sakte ho.